नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य में 3 रैलियां की, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रचार किया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रचार की कमान हरियाणा में संभाल रखी है। लोकतंत्र में ये खबरें हम विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। रेडियो संदेश के मामले में प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग की क्लीन चिट, कहा नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। शिवसेना का घोषणा पत्र जारी, मुंबई को अत्याधुनिक महानगर बनाने और महाराष्ट्र के समग्र विकास का दावा। बीजेपी के घोषणा पत्र में विदर्भ का जिक्र नहीं, किसानों, नौजवानों और बुजुर्गों को सहूलियतें देने का ऐलान। महाराष्ट्र के प्रचार में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी पर लगाया पूंजीपतियों का हित करने का आरोप। और हरियाणा के राई में प्रचार चरम पर, अवैध रेत खनन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ा चुनावी मुद्दा। चुनाव आयोग ने रेडियो संदेश के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के लीगल सेल को जवाब भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रेडियो पर मन की बात नाम से दिए गए संबोधन में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रेडियो के जरिए संदेश दिया था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच इस संबोधन पर सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वैवाहिक स्थिति छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी और चुनाव अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मणिनगर से चुनाव पर्चे में वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की चुनावी समर की। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखंड महाराष्ट्र शिवसेना के घोषणा पत्र का अहम ऐलान है। वहीं पार्टी ने महाराष्ट्र के समग्र विकास का वादा भी किया है। भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने के वादे के साथ शिवसेना ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्राथमिक अस्पतालों की तादाद बढ़ाने का वादा किया है। वहीं सुशासन पर भी शिवसेना ने जोर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, महाराष्ट्र में अच्छी सड़कों का निर्माण और राज्य को टोल फ्री बनाने की घोषणा भी की गई है। शिवसेना ने महाराष्ट्र की जनता से शिवाजी के नाम पर म्यूजियम बनाने, किसानों और बुनकरों की समस्याओं के निदान का वादा भी किया है। वहीं नवी मुंबई को अत्याधुनिक बनाने की बात भी कही है। शिवसेना ने छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है, तो वहीं राज्य के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में किसानों, नौजवानों और बुजुर्गों को लुभाने वाले तमाम वादे किए गए हैं। हालांकि घोषणा पत्र में अलग विदर्भ का जिक्र नहीं है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी जाहिरनामे यानी घोषणा पत्र में सुशासन से जुड़े तमाम वादे किए हैं। पार्टी ने कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला महाराष्ट्र लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करेगी, साथ ही सरकारी कामों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करेगी। महाराष्ट्र लोक सेवा हमी कायदा, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट च्या संदर्भामध्ये काही मुद्दे मांडले आहेत। मुख्यतः सरकार दरबारी जी कामं असतात ती ठराविक मुदतीमध्ये पार पाडली जावीत आणि तशी ती पार पाडली न गेल्यास नुकसान भरपाई मिळावी आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कडून त्याबद्दलची वसुली व्हावी। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर पार्टी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू करेगी। आईटी क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास प्राधिकरण का गठन करेगी और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था लागू करेगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का वादा भी बीजेपी ने किया है। समाज के सर्व घटकांच्या आशा आकांक्षांना प्रतिसाद देणारे अशा प्रकारचे हे दृष्टिपत्र आहे
आणि महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीची विकासाबद्दलची आणि शासकतेबद्दलची म्हणजे गव्हर्नन्सबद्दलची दृष्टी या घोषणापत्रातून किंवा या दृष्टीपत्रातून आपल्यापर्यंत पोहोचेल. घोषणापत्र में किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है. बुजुर्ग किसानों के लिए अन्नदाता आधार योजना की शुरुआत करने के साथ ही पार्टी ने उन्हें सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया है. इसके अलावा मराठी स्कूलों का आर्थिक सशक्तिकरण और अम्बेडकर स्मारक का वादा भी घोषणा पत्र में है. बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार पत्रकारों को भी जगह मिली है. पार्टी ने बुजुर्ग श्रमजीवी पत्रकारों के लिए 1500 रुपए मासिक मानदेय देने का वादा किया है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी महाराष्ट्र में चुनावी सभा की. उन्होंने सुबह चंद्रपुर के ब्रह्मपुर में रैली को संबोधित किया. उसके बाद अमरावती के धामनगांव और हिंगोली में चुनावी सभा की. उनके निशाने पर ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी रही. महाराष्ट्र में आज अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सरहद पर जारी तनाव पर लग रहे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया. अमरावती में प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त इस मुद्दे पर सियासत करने का नहीं. उन्होंने कहा कि सरहद पर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है. ये बयानबाजों की बोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है. भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है. अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे. अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए किसान आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि जो किसान देश का पेट भरता है वो खुद दाने दाने को मोहताज है. पूरे महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो गया है. भाइयों बहनों, मुझे गांव का भला करना है, किसान का भला करना है, गरीब का भला करना है, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए. नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किसानों के लिए पानी और नक्सल समस्या का भी जिक्र किया. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. अब इस देश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नीतियों को गरीबों की विरोधी करार दिया है. उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ पूंजीपतियों का हित करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हर तबके के विकास की है. महेंद्र मालविया जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया लेकिन अच्छे दिन नहीं आए. राहुल गांधी ने कांग्रेस को गरीबों की हितैषी पार्टी भी बताया. हम राजनीति गरीब लोगों के लिए करते हैं और ये हम खुल के ऐसे स्टेट से कह सकते हैं. हम आपकी रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं. जरूर हम विकास चाहते हैं, उद्योग चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, मगर हम आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते. पुणे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों से गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का भला होगा. हमारी सोच थी डायरेक्ट ट्रस्ट ट्रांसफर, आपके बटुए में हम डायरेक्ट पैसा डालेंगे. ये भी डायरेक्ट ट्रस्ट ट्रांसफर करते हैं, मगर हम सरकार से गरीबों तक करते थे और ये आपके जेब से निकालकर उद्योगपतियों को करते हैं. इस रैली में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस के महाराष्ट्र मामलों के प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद थे. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे और अब कहते हैं जल्द ही सब ठीक हो जाएगा. राहुल गांधी ने नासिक जिले के निंडोरी में चुनावी सभा में कहा कि सीमा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा. वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने महाराष्ट्र में कल रैलियां की. नागपुर की रैली में मायावती ने बहुजन और सर्वजन समाज के विकास का मुद्दा उठाया. मायावती ने कहा कि आजादी के 6 दशक बाद भी गरीबों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है. बहुजन समाज जिसके अंतर्गत
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। लोकतंत्र में तमाम अहम खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिले के समीकरणों में बात आज बुलढाणा की। विदर्भ के बुलढाणा में परिवहन व्यवस्था का मुद्दा इस बार के चुनाव में जोर शोर से उठ रहा है। विदर्भ में रेल नेटवर्क के अभाव से बुलढाणा विकास में काफी पीछे रह गया है। परिवहन बेहतर नहीं होने से जिले की टूरिज्म इंडस्ट्री पर लगभग ठप पड़ी है। प्रकृति की गोद में बसा ऐतिहासिक शहर बुलढाणा अपने खूबसूरत सरोवरों के लिए जाना जाता है। इन सरोवरों को देखने पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, लेकिन रेल की सुविधा नहीं होने से एक घंटे का सफर चार घंटे में पूरा होता है। राजनीतिक दल सड़क, बिजली, पानी और रेल देने का वादा कर रहे हैं। मेन समस्या है कि यहाँ से कहीं जाना हो लंबा सफर, दिल्ली वगैरह, ये तो यहाँ से जाने के लिए सीधी ट्रेन का कोई ये नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यहाँ पे रेलवे लाइन तक अभी तक आई नहीं है। जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें मलकापुर, बुलढाणा, चिकली, सिंधखेड़ राजा, मेहकर, खामगांव और जामोद हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर एनसीपी और 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। शिवसेना और कांग्रेस के खाते में एक एक सीटें गई थी। लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 64% मतदान हुआ था। 2009 के जो चुनाव थे विधानसभा के, उस वक्त 66.51% एवरेज वोटिंग डिस्ट्रिक्ट का था, और इस साल जो भी चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं उसमें हम 75% हमारा प्रतिशत रहे, इसका हम कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन टूटने के चलते इस चुनाव में मतों का बिखराव साफ नजर आ रहा है। विकास की तमाम संभावनाओं के बावजूद बुलढाणा में संसाधनों की बेहद कमी है। ऐसे में बुलढाणा वासियों को आने वाली सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, बुलढाणा। विदर्भ के वाशी में रोजगार के अवसरों की कमी से लोगों में नाराजगी है। इलाके में 23 साल पहले शुरू किए गए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जमीन पर नाम मात्र के लिए उद्योग है। उद्योग के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं होने से व्यापारियों में भी निराशा है। ये है वाशिम के लकी अग्रवाल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी छोड़कर साथी मयूर के साथ उद्योग लगाने के लिए जमीन ली, लेकिन वाशिम के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं की कमी से इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके घर वाले भी परेशान हैं। वाटर मेन इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक नीड्स रहती है, ये सबसे पहले है वाटर, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी नहीं है। वो चीज़ें हर इंडस्ट्री के लिए बेसिक नीड होती है, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो हमारी पूंजी लग गई है उस पर ब्याज लगता है, और क्यों जब तक ब्याज नहीं फेड़ेंगे अपना बिजनेस चालू नहीं होगा, तो जब तक अपन कुछ इनकम अपने पास नहीं आएगा तो अपन पैसा नहीं पूरा पाएंगे इनको पूरे से। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसकी जिम्मेदारी उद्योग लगाने के लिए प्लॉट, सड़क और बिजली मुहैया कराने की है। लेकिन उद्योग लगाने वालों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बहुत सारे प्लॉट जो है वो उन्हें वितरित किए गए हैं, और सिर्फ प्लॉट देने से काम नहीं होता है, उन्हें पानी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए, ये सब बातों का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। जिले में रोजगार के अवसरों की बेहद कमी है, ऐसे में MIDC की जरूरी सुविधाएं मुहैया हों तो इस परेशानी से निजात मिल सकता है। वाशिम के विकास के लिए योजनाएं बनी, उद्घाटन हुए पर अमल नहीं हुआ। विदर्भ का ये इलाका कई सालों से सरकारी अनदेखी का शिकार रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, विदर्भ। महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की अगली पीढ़ी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का भी नाम शामिल है। पिता की परंपरागत सीट सोलापुर से प्रणीति दूसरी बार किस्मत आजमा रही हैं। महाराष्ट्र में ऐसी कई सियासी शख्सियतें हैं जिनके बच्चे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रिया सुले, पंकजा मुंडे, अमित देशमुख, और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाएंगे प्रणीति शिंदे से, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री हैं। सोलापुर शहर से वर्तमान विधायक भी। प्रणति शिंदे दिन रात छोटी बड़ी सभाएं और जनसंपर्क के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हैं। लोकसभा चुनाव में सुशील कुमार शिंदे को हार का सामना करना पड़ा था, लिहाजा प्रणति के लिए ये चुनाव एक बड़ा इम्तिहान है। सत्ता या पावर के लिए यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे विकास के काम करने और जो जो प्रोमिसेस हमने लोगों को दिए हैं वो पूरे करने। प्रणति ने वकालत की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में वो विधायक बनकर आईं और 2009 में मुझे लोगों ने जिता के लाया। ऑफ कोर्स इसका फायदा जरूर होता है कि मैं शिंदे जी की बेटी हूँ और संघर्ष इतना हमारी जनरेशन में नहीं है क्योंकि हमें ऑफ कोर्स प्लेटर पे मिला। सुशील कुमार शिंदे के कद और प्रभाव के चलते सोलापुर में कांग्रेस और एनसीपी को बढ़त मिलती रही है। जिले की 11 विधानसभा सीटों में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को पिछले चुनाव में 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 2 ही सीटें आईं। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव में पलड़ा बीजेपी की तरफ झुक गया है। आते करते इधर करते पर ना ये हमारा इधर का साइड का नहीं करे, पर नीति आई इधर इधर नल दी, ये नल दे उधर नल दी, पर नीति तय। बीजेपी का दावा है कि सोलापुर में शिंदे का प्रभाव खत्म हो गया है। सुशील कुमार शिंदे जी का बिल्कुल अबगढ़ नहीं रहा है कि सोलापुर में जिस तरह से डेवलपमेंट होना था उस तरह से अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सोलापुर में शिंदे की छवि बड़ी है, लेकिन लंबे समय की सत्ता के बाद सत्ता विरोधी लहर का खतरा प्रणति के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, सोलापुर। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के उस पार रुख करेंगे हरियाणा का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात हरियाणा के चुनावी समर की। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल हरियाणा के हांसी में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सूबे की कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि विकास के लिए हरियाणा को वंशवाद की राजनीति से मुक्त कराने की अपील भी की। बहुत हो चुका, कभी हुड्डा कभी चौटाला, कभी चौटाला कभी हुड्डा, ये तीन चार परिवारों ने पूरे हरियाणा के विकास को बांध में लेकर रखा है, भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात के विकास के भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। कल चंडीगढ़ में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र हुड्डा के साथ आमने सामने बहस करने की चुनौती भी दे डाली। मोदी जी को विकास की बात करना है तो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने खड़ा होकर डिबेट करना चाहिए, ओपन डिबेट होना चाहिए। मोदी जी अपने गुजरात के डेवलपमेंट की बात करें, हुड्डा जी हरियाणा की डेवलपमेंट की बात करें और जनता को निर्णय करने दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को झज्जर में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा में हर तबके के विकास का वादा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है जबकि कांग्रेस हर तबके की भलाई के लिए काम करती है। जो साख इस चार महीने में भारतीय जनता पार्टी सरकार की गिरी है, मैंने कभी किसी की सरकार की इतनी जल्दी साख गिरते हुए देखी। जो कहते कुछ थे निकला कुछ, 3 महीने के अंदर तक इनका पर्दाफाश हो गया, असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का लोगों के सामने आ गया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बिजली, पानी और खराब सड़कों के अलावा भी कुछ अहम चुनावी मुद्दे हैं। भूमि अधिग्रहण और अवैध खनन से जुड़े मुद्दों ने भी राजनेताओं का ध्यान खींचा है। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल धैया ने सोनीपत जिले की राई विधानसभा सीट का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के जरिए
जैसे ही आप दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पार कर कुंडली गांव में पहुंचते हैं, राई विधानसभा सीट की सीमा शुरू हो जाती है। सड़क के दोनों ओर निर्माणाधीन मॉल्स और रिहायशी इमारतें नजर आती हैं। हालांकि इन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे राई के बरसों पुराने गांव भी हैं। राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण बिल्डर और सरकार दोनों की दिलचस्पी पिछले कुछ सालों में इस इलाके की जमीन में काफी हद तक बढ़ी है। निजी बिल्डरों के आने से यहाँ की जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसान अपनी उपजाऊ जमीन बेचने को तैयार नहीं हैं। पिछले कई साल से जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। पैसे नहीं लेने हैं किसी भी कीमत पर। हमारा सिर्फ एक ही वादा है आपसे, और आपने वादा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने भी और आपने भी, के गांव की जमीन मतलब हम छुटवा देंगे, लेकिन इन जमीन नहीं छुटवाई। इस इलाके में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी बड़ा है। सरकार ने 2013 अधिसूचना जारी कर यमुना नदी की रेत के खनन पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने अब पल्ला झाड़ लिया है। सब्जियों की कम से कम 50 गाड़ियां यहां से निकलती हैं, और अचानक किसानों को पता चले गए ये पूरा क्षेत्र और बढ़िया जमीन को खनन में दिया जा रहा है, तो ये बड़ा शोक लगा, क्योंकि दुनिया की सबसे हाईटेक खेती भी यहां पे हम कर रहे हैं। मुद्दे की अहमियत को देख राजनीतिक पार्टियां इस पर बात करने से कतरा रही हैं कि ये जो अधिग्रहण हुआ है ये मेरे समय में नहीं हुआ, ये 2006 में अवार्ड है और मैं 2009 में एमएलए बना, और उन्हें ठीक से मुआवजा नहीं मिला, और वहाँ पे झूठी बात कह के कि हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाएंगे, वो अभी तक खाली पड़ी हुई है। इन सब समस्याओं के अलावा राई विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने गांव से शहरों के बीच बेहतर परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सुधार की बाट जोह रहे हैं। कैमरामैन जुनैद के साथ विशाल दाहिया, राज्यसभा टीवी। वही अंबाला उत्तरी हरियाणा का व्यापारी केंद्र है। इस जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो फिलहाल कांग्रेस, बीजेपी और INLD में बटे हैं, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरणों के चलते सभी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंबाला जिले में अंबाला शहर और नारायणगढ़ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अंबाला कैंट बीजेपी के पास और सुरक्षित सीट मौला पर INLD का कब्जा है, लेकिन सभी दलों की उपस्थिति के बावजूद लोगों की उम्मीदें अधूरी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहली बार एक कार्यकर्ता साथी को टिकट मिली है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता साथी बड़े प्रभावित हैं, और इस तरह की जो बात करता है वो अपनी बुखलाहट में करता है, उसको ये पता है कि पवन गर्ग जीतने वाला उम्मीदवार है। जो इंडस्ट्री है ये माइग्रेट होकर काला हिमाचल में माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिजली की समस्या बहुत है, उनको पूरी तरह बिजली नहीं मिल रही। कांग्रेस की मुश्किलें जन चेतना पार्टी ने बढ़ा दी हैं। यहाँ से पूर्व कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा जन चेतना पार्टी बनाकर कांग्रेस का गणित गड़बड़ा रहे हैं। परेशानी बीजेपी को भी है। NDA के घटक अकाली दल ने INLD को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे हरियाणा और पंजाब के बीच में जो मुद्दे थे उनको कभी सोल्व नहीं, बल्कि उनको हमेशा उलझाने की कोशिश की। अंबाला में बिजली उपकरणों का बड़ा कारोबार है, लेकिन इस धंधे से जुड़े लोग परेशान हैं। बिजली यहाँ पे 24/7 अवेलेबल नहीं है, और जितनी अवेलेबल है दैट इज मोस्ट कॉस्टली इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ द नेशन। हालांकि कांग्रेस विकास की नाव पर सवार होकर एक बार फिर चुनावी रण में जीत की उम्मीद लगा रही है। औद्योगिक इलाका होने के कारण अंबाला में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूरों की संख्या भी अच्छी खासी है। हालांकि उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार ने मजदूरों को बिगाड़ रखा है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उनके पास जीवन यापन करने लायक भी पैसा नहीं है। ऐसे में इस चुनाव में ऐसे मजदूरों की भूमिका वोट स्विंग कराने में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अंबाला से कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ राज्यसभा टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन। और अब चलते चलते एक नजर आज होने वाली स्टार रैलियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सिरसा और गुड़गांव में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज महाराष्ट्र के गोंदिया और चंद्रपुर में रैलियां करेंगी। इसके अलावा आज राहुल गांधी भी हरियाणा के सिरसा में रैली करते नजर आएंगे। साथ ही गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी आज महाराष्ट्र में मुंबई में प्रचार करती नजर आएंगी।
और इसी के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। We'll be right back.